जय शंकर बाबा लोग, नए दिन नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर, एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से कर रहा हूँ। अभी आप पीछे देख सकते हो मम्मा बना रहे हैं खाना। खाना इतनी लेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गांव में एक ताई जी है हमारे, तो उनकी डेथ हो गई है। काफी उम्र थी उनकी, लाइक 110-115 साल उम्र है। वो काफी ज्यादा जी गए तो भी वो पूरे हो गए थे, इसलिए सारे घर वाले वहां पे थे। एंड मेरे को घर में छोड़ा हुआ था कि जानवर वगैरह काफी घुसते हैं घर में, तो तू यहीं पे रहना। तो उस चक्कर में मैं घर में था एंड मम्मी जस्ट अभी आए हैं। गंगा के लिए कल मैं दरड़ बनवाने गया था, वो काम मेरा पूरा हुआ नहीं था। तो मेरे को मम्मा आज बोल रहे हैं कि जैसे मर्जी जितना मर्जी टाइम ले बट उसको करवा के आ, जहाँ मर्जी से करवा के आ, तो मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने भी अपने एक दो दोस्तों को कॉल किया है कि मेरे को पता करवा दो कि ये कौन सी मशीन इसको क्रश कर देगी। तो उसी चक्कर में मेरे को मेरा फ्रेंड शायद कॉल करे अभी थोड़ी देर में, एंड मैं निकल जाऊंगा थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के। एंड आज के खाने में ये दाल बनाई है मम्मी ने। आपको पता है जब गांव में डेथ वगैरह होती है तो विदाउट प्याज की, विदाउट लहसुन कुछ भी नहीं डालते, तो सिंपल दाल बनाई है। एंड खाते हैं खाना, अभी डाल दो मम्मी खाना। तो रूम में पहुंच के खाना वगैरह खा लिया, मुझे भाई के कॉल की वेट है। एंड मम्मी बोल रहे हैं साथ में, वो तो पिसवा के लाना ही लाना है। एंड नीतू की कॉल भी आई थी अभी खाना खाते खाते कि मेरे को लेने आना 1 बजे के करीब, तो उसको भी लेने जाना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस चली हुई गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको भी लेने जाना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर में। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे कि मैं उसी टाइम पे निकलूंगा मशीन पे जब मैं नीतू को भी वहां से ले आऊं घर, एंड उस बोरी को वहां पे छोड़ दूं, फिर दोबारा से मैं उसको लेने चला जाऊंगा। तब तक वो क्रश हो जाएगा एंड मेरा काम भी हो जाएगा। तो फाइनली भाई की कॉल आई थी, एक मशीन में उसने कॉल करके पता किया है कि हाँ वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, बाकी पता नहीं। अभी निकल जाऊंगा मैं, बड़े पापा से स्कूटी की चाबी ले ली, जगह पे रखी हुई है मैंने बोरी, तो ले चलते हैं इसको। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे का, एंड मैं जस्ट अभी घर में पहुंचा हूँ। नीतू को भी घर छोड़ गया मैं, एंड उसके बाद दोबारा से मेरे को जाना पड़ा था। ये बोरी मैंने पहले दे दी थी, एंड आज मैं जो मम्मी मेरे से काम चाहते थे वो मैंने कर दिया पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी की खुशी। मम्मी खुश हो अभी? तो वो लोग अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड मम्मी ने मुझे और काम दे दिया। मम्मी तो सो गए थे, मैं लैपटॉप चला रहा था। बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई, उनको कुल्हाड़ी से दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, हमारे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उनको दड़ दे लाइक। तो कर देते हैं वो काम। यहाँ पे पीछे बताता हूँ मैं आपको, ये आपके पीछे, ये जो पीछे पड़े हुए लकड़ियाँ, ये वाली लकड़ियाँ जिनको मेरे को दो दो हिस्सों में डिवाइड करना है लाइक। इनको तोड़ के 3-4 बना देंगे जलाने के लिए, पता नहीं है बाकी क्या बोलते हैं क्या नहीं। एंड यहाँ पे ताई को देखो, ताई फुल सपोर्ट में बैठी हुई मेरी। क्यों ताई? नो कमेंट। ताई ताई फुल पावर सोच में डूबी हुई आज। तो चलो कर देते हैं मम्मी का काम। जब से मम्मी ने देखा कि मेरी हेल्थ में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है एंड मम्मी काम पे काम दिए जा रही है, काम पे काम दिए जा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, करना पड़ेगा। घर रहता हूँ तो करना पड़ेगा काम। क्यों मम्मी, करना पड़ता है ना घर बंदे? काम करना है बंदा। तो ये रही कुल्हाड़ी, एंड ये अपनी पुरानी धनुवंजन की साइकिल है, ये अभी तक रखी हुई घर वालों ने संभाल के। एटलस नहीं, ये हीरो की है। एटलस तो हमारे टाइम में होती थी फुल पावर साइकिल, इस पे बहुत राइड किया हुआ यार। आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो इन साइकिलों के बहुत फैन थे हम। अभी भी इसको मैं रिपेयर वगैरह करवाऊंगा एंड इसी को यूज करूंगा यार। सोच रहा हूँ ऐसे, पक्का नहीं बोलता। क्यों नहीं तू लेने इसकी राइड? आपके पास दो ऑप्शन है, एक साइड ये पड़ी हुई है, एक साइड ये पड़ी है, तुम्हें कौन सी ऑप्शन चाहिए? मेरे दो पैर हैं, कोई चल लुम्बड़ गई की। हाँ तो चलाओ, चल चल कर लेता मैं काम यहाँ पे, फालतू ऐसे ही टाइम वेस्ट करने आ गई मेरा। यही लकड़ियाँ थी सारी की सारी, मैंने कर दी। मुझे करना नहीं आता बट फिर भी करना पड़ रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ दड़ी होंगी ज़िंदगी में, एंड थोड़ी सी पाँव में भी लग गई। तो चलो बहुत सांस फूल की हुई,
रेस्ट वेस्ट करते हैं, चाय जो भी पीते जाके अभी, है ना। आप देख सकते हो फेस पे कितना पसीना आ रहा है यार, बहुत थक गया मैं। अभी हवा में बैठते जाके पानी पुनी पीते हैं। तो लोग अभी टाइम हो रहा है रात के 8 एंड मैं खाने वाला हूँ खाना, क्योंकि आज दिन में मैंने लंच नहीं किया, भूख नहीं थी यार। ऐसे गर्मी में मन नहीं लगता यार, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारे एरिए में। अभी नीतू को बोलने आया था कि चल खाना खाते हैं, खाएगी खाना? चलो चलो। देखो नीतू ने अपना फोन ही गिरा दिया, ब्लॉग के नहीं है, ब्लॉग में नहीं आना चाह रही है ये, तो फोन ही नीचे गिरा दिया। ऐसा नहीं करते बच्चे, तो देख सकते हो इसके नखरे, करती रहे नखरे। मैं जा रहा खाना खाने, चला जा। आज मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, अभी तक मम्मा बना रहे हैं, पता नहीं चावल रखे हुए शायद। और ये मम्मी ये क्या बना रहे, आलू? अच्छा अच्छा अच्छा, चूल्हे पे बना रही मम्मी खाना। गर्मी लग रही है आपको? पसीना बढ़ गया मम्मी को, देखो आप खेसते हो। ऐसी गर्मी में कैसे बना लेते हो यार खाना? नहीं वो नहीं बोल रहा है, बना लो बना लो, मेरे को तो भूख लगी थी यार बहुत ज्यादा। चलो बना लो, अब आराम से खाऊंगा मैं सब कुछ ही। थोड़ी बहुत वो शांत कर लेता भूख अपनी ना। तो वो लोग अभी मम्मी खाना बना रहे हैं, मैं तो आगे तो जल्दी, मुझे लगी थी काफी ज्यादा भूख, बट जाना पड़ेगा यार, मेरे तो 5 मिनट नहीं बैठे जा रहा यार इस गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है। मम्मी पता नहीं कैसे सर्वाइव करती है, खाना पता नहीं कैसे बना लेते यार। तो मम्मी ने यहाँ पे आलू को तड़का लगा दिया है एंड मैं जाने वाला था, बट मम्मी जब तक ना खाना नहीं बनता रहा तो मेरे को ये थोड़े से आलू दे दोगे आप? डाल दो डाल दो, तब तक मैं ये खा लूंगा आलू, ठीक है? खाना खा गया, आ गया मैं रूम में एंड अभी करने वाला हूँ वीडियो के एडिटिंग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पक्का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, लव यू ऑल, जय शंकर, बाय।